जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, नमो नमः। मैं आचार्य शिवेंद्र पांडे आज आप लोग के लिए कुछ वास्तु का टिप्स लेके आया हूँ, जो करने से आप अपने घर में सर्व सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज प्रत्येक व्यक्ति इस भाग दौड़ की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा विस्मय की स्थिति में जीवन जी रहा है, तो हम कुछ वास्तु का प्रयोग करके अपने जीवन को रिलैक्स कर सकते हैं, आराम से जिंदगी जी सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो है हम दो तीन चीजों का जो है प्रयोग कर ले अगर घर में तो ज्यादा बेटर है। पहला काम, घर में कुछ तस्वीरों को लगाकर, दूसरा घर में किसी यंत्र को स्थापित करके, और तीसरा घर में कुछ पोछा लगाकर। जीवन में जो है गृह का बहुत महत्व है, क्योंकि उसका अर्थ ही होता है निवास करना, अर्थात वस धातु से वास्तु शब्द का निर्माण होता है। वस धातु से वास्तु का निर्माण होता है, जिसका अर्थ होता है जहां निवास किया जाए। तो निवास ऐसा जगह हो जहां सकारात्मक एनर्जियां हो, पॉजिटिव एनर्जी हो। तो इस रूप में सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम हम अपने घर में जो जल से युक्त जो तस्वीरें हैं उसको अगर उत्तर दिशा में लगाते हैं, जैसे झरना, वनस्पति अर्थात प्राकृतिक सौंदर्यता का जो प्रतीक चिन्ह है उसको अगर घर के उत्तर दीवार पर लगाते हैं, तो हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी को विकसित करता है और उससे हमारा घर का वातावरण जो है वो सकारात्मक बना रहता है। दूसरा, ईशान कोण में अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में काफी आपकी बरकत हो, आपका डेवलपमेंट हो, आपकी उन्नति हो, तो इसके लिए घर के ईशान कोण में जीवित मछली का एक्वेरियम लगाएं। एक ध्यान रहे कि मछलियों की संख्या जो है वो विषम हो, 5-7 ऐसी। तो इस प्रकार से अगर आप एक्वेरियम को घर के ईशान कोण में लगाते हैं तो इससे आपके घर में धन धान्य का विकास होगा, आपके आर्थिक उन्नति होगी। उसके साथ साथ पितरों का जो पिक्चर है, पितरों का जो तस्वीर है अर्थात जो मृत व्यक्ति हैं उनका तस्वीर आप हमेशा घर के दक्षिण दीवार पर लगाएं और उनका मुख उत्तर की तरफ हो। इससे क्या होता है कि पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि पितरों का स्थान दक्षिण होता है और देवताओं का स्थान उत्तर होता है। वास्तु रत्नाकर के अनुसार ही कहा गया है कि यदि देव तीर्थ और पितृ तीर्थ ये दोनों आपस में अगर मिल जाए तो घर में बहुत ही अच्छे माहौल को क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं। तो पितरों के तस्वीर को जो है हमेशा दक्षिण दीवार में लगानी चाहिए। बहुत से लोगों का प्रश्न ये होता है कि गुरुजी हम अपने घर में अगर हमारे घर में वास्तु दोष लग गए हैं तो फिर उसके निवारण के लिए हम क्या करें। इसके लिए कुछ छोटे छोटे टोटके किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। जैसे सबसे पहले मैं एक टोटके को बता रहा हूँ कि आप अपने पूजन स्थल पे आप जो है फिटकरी और गोमती चक्र को रख दें, उसमें सफेद अगर शंख है घर में तो शंख में चावल भर के रख दिया जाए, तो इससे भी आपके घर का बहुत से वास्तु दोष का निवारण हो जाता है। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान दें कि फिटकरी, कांच का टुकड़ा, पत्थर, कोयला और लोहा, इसको काले कपड़े में बांधकर आप घर के यदि ईशान कोण में यदि आप लगाते हो तो फिर आपके घर का जो है वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। एक और चीज यहाँ पे दिखाया गया, बताया जाता है कि अगर आपके घर में अत्यधिक वास्तु दोष है, आपके घर में प्रतांशिक दोष है, भय लगते हैं, हमेशा घर में अत्यधिक झगड़े होते हैं, तो मानसिक तनाव बने रहते हैं, तो आप अपने घर में जल में फिटकरी और सेंधा नमक डाल के अपने घर में पोछा लगवाओ। इससे आपका जो है आपके घर में सकारात्मक एनर्जी का विकास होगा और आपके घर में कल्याण होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि घर को उन्नति कैसे प्रदान की जाए। जैसे बहुत से लोग तस्वीर में पंछियों के चित्र को भी लगाते हैं, कुछ पशु पक्षियों के चित्र को भी लगाना पसंद करते हैं, तो आप अपने घर में 7 घोड़े का जो है 7 हर्ष का जो है फोटो लगाइए, वो पूर्व दिशा में लगाइए। और एक चीज ध्यान रखें कि घड़ी दीवार पे हमेशा पूर्व या पश्चिम दिशा के में ही लगाइए, उत्तर या दक्षिण दिशा के दीवार पे घड़ी नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी विकसित हो जाती है, आपका दिन खराब हो जाता है, और घड़ी जो है वो भाग्य का सूचक है, क्योंकि भाग्य यदि आपका समाप्त हो जाए, खराब हो जाए, तो फिर आपके कर्म क्षेत्र भी समाप्त हो जाता है। न च विद्या न पुरुषम भाग्यम फलति सर्वदा, व्यक्ति का विद्या और पुरुष फलीभूत नहीं होता है, व्यक्ति का जो है भाग्य फलीभूत होता है। इसलिए अपने भाग्य को जागृत करने के लिए घर में घड़ी का जो है वो पूर्व या पश्चिम दिशा में आप लगाने का प्रयास करें। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि घर में पक्षियों के
पिक्चर को तस्वीर को लगाने से भी घर में सकारात्मक एनर्जियां बनती हैं, तो इसलिए आप लोग घर में मोर के फोटो लगाने से घर में आकर्षण बढ़ता है, अर्थात बच्चे जो है जो शिक्षा के क्षेत्र में है उनका शिक्षा के क्षेत्र में विकास होता है, शिक्षा के प्रति लगाव होता है और उनका जो है डेवलपमेंट होता है शिक्षा के क्षेत्र में। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो बच्चे करते हैं उनको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अपने स्टडी टेबल पर मोर का पंख रखे, इससे क्या होता है कि उनका प्रतियोगिता के क्षेत्र में तुरंत सफलता मिल जाती है। घर में तोते का, मैना का, इन सब चीजों का, जो जीवों पक्षियों का जो है वो फोटो लगाने चाहिए, इससे आपके घर में तरक्की होती है। धन्यवाद।